अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम सवाल है अस्सलाम। कि अगर कोई औरत शादी के बाद अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम ऐड कर लेती है, और जी मतलब वो हर जगह ऐड कर लिए, मतलब जैसे आपके गवर्नमेंट पेपर्स ये सब पे, तो अब ओके okay. पहले उसको पता नहीं था कि ये एक गुनाह है, लेकिन अब उसको पता चला है, तो अब वो क्या करे? मतलब क्या उसको वापस जाके अपना जो असल नाम है उसमें जाना चाहिए? ठीक है, सवाल वाजे है। शख्स हिस्सा का सवाल ये है कि जो बीवी के नाम के साथ जो शोहर का नाम लगाया जाता है कागजात वगैरह में, चाहे अभी कोई भी कागजात बनाते हैं तो शादी के बाद शोहर का नाम लगा देते हैं, तो क्या वो लगाना गलत है? और जो लगा दिया है अभी, अगर गलत है तो फिर क्या करें? सवाल मेरा ये है, इसका जवाब देने से पहले, कि क्या मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून है कि बीवी के लिए जरूरी है कि अपने शौहर का नाम ही अपने नाम के साथ लगाए, या उसके पास चॉइस है, वो चाहे तो अपने बाप का नाम लगा सकती है? क्या कानून है मुल्क के अंदर? मेरा जहां तक असल इल्म में है, वल्लाह आलम, अगर मैं गलत हूं तो जो है करेक्ट कीजिएगा, मुझे जहां तक इल्म है कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई औरत अपने नाम के साथ लाजमी तौर से शौहर का नाम ही लगाए, बल्कि वो चाहे तो अपने बाप का नाम लगाए, चाहे तो शौहर का नाम लगाए, वो किसी का भी नाम लगा सकती है अपने नाम के साथ। अगर किसी मुल्क के अंदर ऐसी कोई मजबूरी है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वहां पे मजबूरी है, वहां का कानून है, लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो ये जायज नहीं है, ये हराम है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत करना जानबूझ करके ये हराम है। अगर कोई ऐसा आदमी करता है, कोई ऐसा अगर करता है, तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल किए गए हैं अहकाम, उनका कुफ्र कर रहा है, उनका इनकार कर रहा है, और बाज अहादीस में ऐसे लोगों पर लानत भेजी गई है। हदीस के अल्फाज हैं, मन इंतसबा इला गैर अबी है, अगर कोई आदमी अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ अपनी निस्बत कर रहा है तो ये हराम है, ये जायज नहीं है। और जाहिर है, अपने नाम के साथ अपने शौहर का नाम जोड़ लेना कागजात के अंदर निस्बत की इससे बड़ी शक्ल और क्या हो सकती है? निस्बत की इससे बड़ी और कोई सूरत नहीं हो सकती है, तो ये निस्बत है, लिहाजा ये जायज नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया हुआ है और वो उसे बदलवा सकता है तो उसे बदलवा ले, अगर बदलवाने की कोई सूरत बनती है तो उसे बदलवा ले, ऐसा करना ये जायज नहीं है। और मैं मुझे जहां तक याद पड़ता है, इस पर हम इससे पहले भी बहुत तफसील से बात कर चुके हैं, और जो शुबहात हैं बाज लोगों के, उन शुबहात का भी जवाब दे चुके हैं। असल में सिर्फ इसीलिए बदला जाता है शेख, गवर्नमेंट के मतलब प्रोसीजर में आसानी हो जाती है, वरना फिर हर चीज में आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि ये मेरी वाइफ है इस तरह से। भाई, आपका निकाह नामा होता है, मैरिज सर्टिफिकेट होता है कि नहीं? हाँ, मतलब नॉर्मल निकाह नामा नहीं होता शेख, उसको रजिस्टर करवाने के बाद फिर हाँ, वो जो निकाह नामा मिलता है आप वो जब काम में निकाह आता है। कीजिए तो उसको रजिस्ट्रेशन जी करवाइए, मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो आपके लिए प्रूफ काफी है। और सिर्फ शौहर का नाम अपने नाम के आगे लगाना, ये प्रूफ सिर्फ काफी नहीं है। तो बहरहाल ये जी जायज नहीं है, ये जायज नहीं है, और ये चीज गर्ब से आई है, ये चीज जो है अहले मगरिब से, यूरोप वगैरह से आई है, जहां पे औरतें अपने नाम के साथ अपने बाप का नाम लगाने के अलावा अपने शौहरों का नाम लगाती हैं, तो ये चीज जायज नहीं है।